हुए। चलिए साबित करवा दीजिए, अच्छा ठीक है, महेंद्र बारे आलिया जी के बारे में आपको बता दूं, आप इनसे साबित करवा दीजिए, आप सुन लें कि वो खुद मेरठ में पहले एक मस्जिद के मौलाना रह चुके हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को समझा, उसके आधार को समझा, उसके सत्य को समझा और आज उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। इस बात का जवाब शायद महेंद्र पाल जी बताइए सर। ऐसा है, मेरे बारे में आपने जानकारी ठीक से नहीं दी है। मैं आज से 35 साल पहले डिस्ट्रिक्ट मेरठ होता था, अब तो बागपत हो गया, जहाँ से डॉक्टर सतपाल सिंह जी हैं उन्हीं के यहाँ बड़ी मस्जिद में इमाम था जी। तो 1983 में मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, इसी सत्यात प्रकाश को पढ़कर, और तब से मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म का ही प्रचार करता हूँ, विशुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार करता हूँ। इसलिए वैदिक संस्कृति में हमारे यहाँ प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये हिंदू मानसिकता की बात है, लेकिन दूसरे लोग नहीं मानते। وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن قران کو غلط پڑھ رہے ہیں ان کو پورا تو کرنے دیجئے لفظ ہی غلط ہے انہیں پورا تو کرنے دیجئے میرا یہ سیکھی ہوئی آیتیں پورا تو کرنے دیجئے یہ سیکھی ہوئی آیتیں ہیں آپ کی دیکھیں آپ جب بول رہے تھے میں بیچ میں بولا نہ پڑھتا ہوں سنیے آپ کیا پڑھیں گے میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں چونکہ میں مسلمان میں پڑھتا ہوں سنیے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اب بھائی میرا سن لیجئے میرے سن لیجئے نا اب میں بولا نا آپ کی عادت سیکھا ہوا اور پڑھا ہوا کیسے ہوتا پر سن لیجئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ نوح کا آیت نمبر 26 27 28 بول رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین آپ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے ایسا ہے توڑ اور آپ امام میرے چیلنج ہے میں دنیا والوں کو سدرشن نیوز چینل میں بیٹھ کر کے چیلنج دے رہا ہوں کہ کوئی بھی مولانا اگر میری پڑھے ہوئے شبد کو غلط نکال دے غلط بتا دے تو میں غلام بن جاؤں گا پڑھے मेरे सामने आकर के पढ़े। अब तक 16 डिबेट इस्लाम वालों से मेरा हो चुका है, जाकिर नायक की दुकानदारी इसी चैनल में बैठ करके मैंने बंद कराया। आपकी सवाल मैं बोला, जब आप जब बोल रहे समय मैं बोला नहीं, हमको डिबेट करना है, आपसे डिबेट करना है, आप जैसे और इसके अंदर आपने ऐसी क्या चीज देखी जिससे आपने इस्लाम धर्म मैं बता उसका 14 समुल्लास पढ़ी है ना, उसको 14 समुल्लास मैंने सारा पढ़ लिया इसको, चुनौती दिया हुआ है। मैं सूरह नूह का आयत नंबर 26 27 क्या बताना चाहते हैं, क्या मैं इमाम था? तो आप सुन कहाँ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? बताना चाह रहे आप सुन कहाँ रहे हैं? नहीं, बताना इमाम था, मैं तो पहले ही बता दिया हूँ कि आपकी आदत, मैं तो टीवी में देखता रहता हूँ ना, आपकी आदत को मैं भली भांति देखा हूँ, जानता हूँ। जवाब नहीं दे पाए, अब हमको जवाब आपसे थोड़े देना, हमें पेपर थोड़े देने के लिए आए आप। मांग लो आप भी, मैंने गलत कह दिया, मैं इमाम था। जी जी ऐसा है, जैसे बहुत सारे लोग घूमते फिरते हैं, देख लो ऐसा है, आप खुद सुन नहीं रहे। अगर गलत जानकारी दोगे, मैंने संपूर्ण इस्लाम जगत को चैलेंज किया हूं कि इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध कर दे और कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। कुरान तो यहाँ से नहीं, 35 साल से किताब ला रही वफी, हाँ तो जालिकल किताब ला रही वफी के भाई अगर आप इमाम थे तो शको शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, तो शको शुबा की गुंजाइश नहीं, हम लिखने वाले शको शुबा की गुंजाइश नहीं, तो वो कलामुल्लाह हुआ कि नहीं हुआ? सुन लीजिए, आप सुन कहाँ रहे हैं, कलामुल्लाह हुआ कि लेखक बताइए ना, लेखक कलामुल्लाह हुआ कि नहीं हुआ, कैसे कलामुल्लाह हुआ जिसमें कलामुल्लाह में, मेरी चुनौती है, मैं बता कयामत तक समय दे रहा हूं। आप बताइए ना, चुनौती किसको कहते हैं, किसको वो जिसको आप खुद कह रहे हैं कि इसका तर्जमा यह है लारई बफी, इसमें कोई शक नहीं, तो जिसमें कोई शक नहीं तो कलामुल्लाह हुआ कि नहीं हुआ, किसने बोला, वो किसने बोला बताइए, अल्लाह ने बोला जी, तो यह लिखने वाले ने बोला तो कलामुल्लाह हुआ। सुन तो लीजिए, आप सुन नहीं रहे हैं तो मैं क्या बताऊं, और मैं आपको चैनल में और चैनल में देखता हूं, आपकी आदत ऐसी है, आप किसी को सुनना नहीं चाहते। आदत नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई मेरा, मैं देखता रहता हूं उनकी बात भी, तो सुन लीजिए ना। बोलीपाल जी, ऐसा है, लेखक ने लिखा
कि इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कौन से लेखक ने लिखा उसका नाम बता दीजिए भाई। हजरत उस्मान गनी ने लिखा। और कौन लिखा? उस्मान गनी लेखक थे। अरे जो बाद में संकलन तो उन्हीं के हाथ से किया है, फाइनल संकलन कोई फाइनल संकलन तो उन्हीं के हाथ से हुआ है। ने सिर्फ उस वही को तर्तीब दिया है। मैं बता रहा हूँ कि ओहो लेखक कहते हैं किताब को, बाकायदा लिखने वाले को जिसको मुसन्निफ कहा जाता है। कुरान का संकलन किसने किया? जी नहीं, कुरान का संकलन किसने किया? उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वही जो अलग अलग जगहों पर लिखी हुई थी, अलग अलग चीजों पर लिखी हुई थी, उसको एक जगह जमा किया है। यहाँ प्रसंग बदल रहा है, यहाँ प्रसंग बदल रहा है। जिस टॉपिक पे जिस टॉपिक समय दिया आप दोनों को समय दिया पास तारीख के आप दोनों को समय दिया। राशिद साहब इमामत की है 20-20 साल 30-30 साल राशिद सलमान बन के, और फिर कह दिया कि साहब हमने तो धर्म कबूल कर लिया। ये तो मेरे पास 50 वाकियात हैं। वो आपके पास 50 है लेकिन मैं केवल इतना ही बोला हूँ। लेकिन राशिद साहब जो बात शुरू हुई थी, राशिद साहब वापस आते हैं। आप इमाम रहे, पाल साहब और राशिद साहब वापस आ जाते हैं। सुनिए एक मिनट, आप इमाम रहे मस्जिद में, तो मैं कैसे बताऊं आपको जो मैं बोल दिया? जवाब दे दीजिए ना। राशिद साहब मुर्दा कैसे नहलाया जाता मुझे बता दीजिए। राशिद साहब और पाल साहब, हम जिस मसले में, राशिद साहब आप बात घुमा रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दे पाए। लेकिन यहाँ पे मैं यासर आपसे कहूंगी आप इंटरवीन करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस पे ना पड़े। मैं भी सुन लीजिए, मुझे बताइए यहाँ पर राशिद साहब राशिद साहब टिप्पणी करना इस्लाम ने नहीं सिखाया। यासर कह रहे हैं इस्लाम में तो किसी और को धर्म माना नहीं। इस्लाम क्या है? वो तो हारने की अलामत है। जब हार जाए बात मानने की वजह, जाओ भाई तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे। कुरान में लिखा है सूरह इमरान आयत नंबर 19 है। तो हमारे जितने भी संत महात्मा जितने लोग भाई को बता रहा हूँ, कुरान नहीं माना इसको। देखिए 1,24,000 पैगंबर आए, उसमें सारे लोगों को इंक्लूड किया, हर धर्म के लोगों के की बात कही। इसका क्या मतलब? आप तो इमाम थे। एक इस्लाम को छोड़ करके और कोई दीन नहीं है? झूठ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम अल्लाह को पसंद है। तो मैं वही मैं क्या बोल रहा हूँ, इस्लाम के सिवा नहीं, दूसरे दिन नहीं नहीं अब कैसे हम झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये मीटर किसके पास मांग लो जाके वहाँ? मैंने 20 साल नमाज पढ़ाई। अरे मैं दूरदर्शन पे बैठ करके चुनौती दे रहा हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे साथ डिबेट करके देखिए। आप बता दीजिए ना, मैं बता कर रहा हूँ। आप तो सूरह, अरे मैं तो ये डिबेट कर रहा हूँ, अल इमरान आयत नंबर 19 में आपको सही पता नहीं क्या? इन्ना तुम्हारा इस्लाम का तर्जुमा आपको सही पता नहीं? हमें पता नहीं, आपको याद नहीं? वजू के फर्ज आपको याद नहीं? हमें क्या है नहीं है वो हम आपको हाँ डिबेट करोगे? आपसे थोड़ा ही डिबेट है मेरा। क्या डिबेट? आप डिबेट है तो हाँ, तो मेरा चैलेंज है। तो मैं इसी सुदर्शन न्यूज चैनल में समय लीजिए, सुदर्शन हम चौहान साहब से, चौहान साहब से मैं कह रहा हूँ कि चौहान साहब से तो इमाम रहे ना। मैं बोल रहा हूँ ना, बता दीजिए ना कितने फर्ज थे। इसके लिए समय करिए, समय तय करिए, समय मुकर्रर करिए, फिर आ जाएंगे हम। मैं बता देता हूँ उसमें फर्ज है भाई मेरा। मैं नहीं पूछा आपसे कितना फर्ज, आप बताइए। एक सेकंड भी नहीं लगा फर्ज, आप इसके लिए डिबेट मांग रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कौन सी बात होगी? पाल साहब यहाँ पर एक सवाल, ये सीधे सीधे आपसे ये जानू, ये मैं जानना चाहती हूँ, आप जिस आपने हिंदू धर्म को आत्मसात कर लिया, वो कहाँ से आपको क्या खटका जो आपको सीधे तौर पर हिंदू धर्म की तरफ लेकर गया? ये बात मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने रखें, और ये बात मौलाना राशिद के सामने भी रखें। ऐसा है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को मैंने इसलिए अपनाया, और जिस दिन मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया उस दिन मेरा पहला वक्तव्य था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूँ, और धर्म बदला जाना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य जब धरती पर आया वो धर्म लेकर के आया, धर्म अलग से बनाने की बताने की देने की आवश्यकता नहीं है। इस्लाम तो दुनिया में बनाए जाते हैं, ईसाई दुनिया में बनाए जाते हैं, ये जितने भी मजहब हैं वो सब दुनिया में बनाए जाते हैं। बनाए किन को हैं? वो आए जब वो क्या लेकर के आए, क्या लेकर के आए? सनातन धर्म पेट से पैदा हुआ, पता नहीं है पेट से पैदा हुआ सनातन धर्म। पैदा जान आपको अभी बहुत सीखने की आवश्यकता है। अभी पेट से पैदा हुआ क्या सनातन? 15,000 बता दीजिए, 15,000 मुसलमानों को वैदिक धर्मी बना चुका हूँ। अभी परसों का ही डिबेट देखिए मेरा,
झूठ फैलाकर बना रहे हो क्या हो गया? अब झूठ फैला रहे हैं या गरीब लेकिन मजहब के नाम पर मजहब के नाम पे मौलाना राशिदी मौलाना राशिदी मजहब के नाम पर तो क्या कुछ तरह से धर्मांतरण हो रहा है मौलाना राशिदी भटकाइए मत। अगर आप धर्मांतरण की बात करेंगे राशिद साहब अगर आप जैसे लोग हैं राशिद साहब किस तरीके से एक एजेंडे के तहत षड्यंत्र चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। चर्चा अपने खात्मे पर है। चर्चा अपने खात्मे पे आ गई है। इस पड़ाव को यही रोकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात इस पूरे डिबेट के दौरान रही।